अथवाजन से, खनमू से, जावन से सब कारखाने वाले हैं और सब इस पेट के पीछे जमा हो गए हैं जो कि हम भिखारी बन गए हैं अब सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से। आज से मतलब ये डीपीएस स्कूल इसको हो गया कम से कम 10-15 साल, हमें हो गया 70-80 साल पुश्तू से। मैं भी इस वक्त 50-60 साल का हूँ, मैं भी बचपन से ही काम कर रहा हूँ, मेरा बाप भी यही काम कर रहा था, तो कोई मसला ही नहीं था। हम अपना रोजगार अच्छे तरीके से कमाते थे, मजदूरी करते थे अपने कारखानों में, बाप बेटा मतलब हमारी औरतें भी चाय वगैरह सब कुछ सामान मुहैया करती थी। और पता नहीं इस गवर्नमेंट ने जैसे ही पीडीपी आ गई तो इन्होंने क्या ये मसला कर दिया। पहले तो एसआरओ पता नहीं वो क्या बलाई था, वो एसआरओ लगा दिया, उसके बाद वो लीज सिस्टम वगैरह वगैरह, उसके साथ ही ये बैनर आर्डर लगाया। पता नहीं ये बैनर आर्डर क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। कभी बोलते हैं करो, कभी बोलते हैं मत करो। दो साल हमने सफर किया, आज हम मजबूर हो गए सड़कों पर आ गए। हमें विजय दत्त से कोई वास्ता नहीं है, ये अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे।